वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग सी स्टूडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो चलिए अभी ऑडिटोरियम के लिए निकलते हैं और फिर दिखाते हैं कैसी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये हम पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम। बैनर देख के आपको पता चली गया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर है। और उसके बाद हो रहा था बैग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें खाने के पासिस वगैरह भी हैं जिसको देख के आपको खाना मिलेगा। तो दिखाते हैं आपको। आज हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है क्यों भाई? इसके बाद पाड़िया जी के 15,000 हो जाएंगे। अभी तो 10,000 भी नहीं हुए भाई। और एक्साइटेड होगी नहीं आप लोग? 80,000 पे पहुंच गए क्यों विकेश भाई? आप लोग एक्साइटेड होगी नहीं आज के लिए? ये भैया टॉवल लेके आ गए थे, यही नहाए हैं बकायदा पीछे वाली जगह पे। ये लाइव पर चढ़ाए हैं, ये वाली जगह पे नहाए हैं पूरा। यहाँ पे टॉवल ड्रेस सब लेके आए। तो मैं ले ही रहा हूँ, तू क्यों ले रहा है? क्यों? और ये चल रहा है बैग डिस्ट्रीब्यूशन। सारे वॉलंटियर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं और मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा हूँ उनकी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा वॉलंटियर। देन ये चल रहा है ब्रेकफास्ट। ये पूरा ब्रेकफास्ट वाला एरिया है जहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, इसके बाद लंच भी मिलेगा, उसके बाद डिनर भी मिलेगा। ये पूरा एरिया है। चलिए आपको ऑडिटोरियम के अंदर ले चलते हैं। ऑडिटोरियम आते ही मुझे सर ने बताया कि मुझे रचना मैम के साथ स्टेज पर बैठना है। तो अब ब्लेजर के बिना बैठ नहीं सकते, तो मैं पूरा चेंज करने के लिए वापस हॉस्टल गया और हॉस्टल से आया। तो अब मैं आपको चेंज कपड़ों में मिलूंगा। देन काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर प्रेजेंट किया और काफ़ी सारे गेस्ट आए। मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जिन जिन की बनाई उनकी अच्छे से दिखाऊंगा आपको। टेक्निकली ये कहीं पर ग्लिच कर रहा है, मैंने करेक्ट चीज़ ध्यान में रखी। हो सकता है कि इनके साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम आए और ये उतने अच्छे से डेलीब्रेशन देना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम देयर इज ऑलवेज डिफरेंट। पेपर प्रेजेंटर्स के बाद एंट्री होती है अनुभव दुबे की, और उनके साथ में और 3 फाउंडर्स और आए थे, जैसे किराना ऐप के फाउंडर थे, और आप पीछे जो बोर्ड लगा है उस पर आप पढ़ सकते हो, और साथ में हमारे सिद्धार्थ और सीजन उनके साथ में बैठे हुए हैं, लकी पर्संस। उसके बाद में एक और बचता है कॉमर्स के साथ में सीपीडी, हाँ सॉरी कैट करना है। अभी सोचे थे कुछ ना कुछ करेंगे, 3 चीजें ऑलरेडी करके देख ली थी। चलो यही करते हैं। तो क्या करेंगे? तो हम लोग बोले कि चाय बेचेंगे। चाय क्यों? क्योंकि हम लोग को दिखता रहे क्या चाय बिकती है हर जगह, मतलब ये तो है, इट इज हाईएस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। फिर हो चुका था ब्रेक टाइम। अब मुझे रचना मैम के साथ में बैठना था और अभी हमारा लंच टाइम था, तो हम लंच करने जाएंगे और आपको बैक ऑफ द स्टेज भी ले चलते हैं कि क्या हो रहा है। और ये हमारे सिकासा के मेंबर्स के साथ में उनकी पिक। हमारे संस्कार भाई सिद्धार्थ भाई जी पूरी मैरिजिंग कमेटी संभाल रहे हैं, और हम तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। हमारे सिद्धार्थ भाई अभी पूरा वोट ऑफ थैंक्स देके आए 5-स्टार रॉक स्टार सरी का। अभी अभी अनुभव दुबे जी के अभी अनुभव दुबे जी के साथ में पर्सनल बैठे हुए थे। अरे मेरा भी ले आ ही रहे भैया। और ये रचना मैम बैठी हुई है, हम लोग उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अभी साथ में ही बैठेंगे, लेकिन अभी बाहर से देख लेते हैं। चलो मैं आप लोगों को स्टेज का पूरा सेटअप दिखाता हूँ, क्या सेटअप है बैठने वगैरह का। आप देख सकते हो मेरा नाम मिस्टर यस पारिया, और ये बगल में सोडियम सर का भी है, और उसके बगल में रचना नानाटे मैम, जिनसे आप सब बड़ी बात ही परिचित हो गए। अनुकृति हमारी टीम मेम्बर, और ये संस्कार भाई हमारे टीम मेम्बर। तो हम बैठेंगे सब। अभी थोड़ी देर में सीए रचना नाटे मैम की यहाँ पे एंट्री होने वाली है, तो सब सेट वगैरह हो रहा है यहाँ पे। अभी लंच चल रहा था ना, तो अभी पूरे बच्चे आए भी नहीं है। हम दोनों साथ में रचना मैम के बैठ रहे हैं, एक अनुकृति दी, ये हमारे सार्थक भाभे एमओसी, आपको क्या नाम है? इश्विन कौर। ये दोनों अश्विन इश्विन क्या ये नाम इश्विन कौर, ये बहुत अच्छी एमओसी कर रहे हैं। कुछ चीजें हम बताते हैं। यहाँ पे जो यश पहाड़िया दिख रहे हैं ना, ये हमारे डाइस पे बैठने वाले हैं, वो भी किसके साथ? सीए रचना राणा। 4.43 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पर्सनालिटी देख के सिलेक्ट किया जाता है कि कौन किसके साथ बैठेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम यस यस बॉस।
इट्स कृष्णा दिस साइड। पहाड़िया जी इस चीज़ की ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे तो पहाड़िया जी की एक है, हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। पहाड़िया जी हमारे बैठे हुए हैं अच्छे से ड्रेस अप होके एकदम, बगल में सी रेस्टोरेंट राणे एंड द अदर टीम। थैंक यू। टीम कैसे होने चाहिए, ग्रीन स्क्रीन कॉन्सेप्ट क्या होता है? मुझे ऐसा लगा कि अरे सीए का टीचिंग लर्निंग कम ही था, अब मैं फिल्म मेकिंग में जा रही हूँ, ये सब पूरा वहां का 7 डेज का हमारा बुक कैंप हुआ। बट जागरी की फिर हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। यदि जागरी से level conference going at Indore, especially for CA students. You can see my photograph at the background as well, and some team members here on stage. And if you want to have a look at the crowd, I'm just flipping the camera. फाइनल गेस्ट वेंकटेश अय्यर के बाद अब बारी है कल्चरल नाइट की, मेरा मतलब डांस परफॉर्मेंस, पोएट्री सिंगिंग परफॉर्मेंस, उसकी कर रहे हैं हम लोग रिहर्सल। इधर सब वेट कर रहे हैं अब परफॉर्मेंसेस का, डांस सिंगिंग सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और फिर डांस भी तो करना है ना सबको। आपको दिखाता हूँ कितने मज़े किए हमने कॉन्फ्रेंस में। बैक स्टेज Chartered accountant.
बन के जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा मेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। और एक और बात कहना चाहूंगा, देखना आज का दिन कितना बड़ा, जिस स्टेज पे था देखता मैं लोगों को, आज स्टेज पे हूं माइक लेके खड़ा। ये थैंक यू गाइस एंड थैंक्स टू द ICI टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माइसेल्फ हियर, थैंक्स अ लॉट। एंजॉय करिए तो प्यार व्यार तो हुआ ही होगा। अब ये मत बोलो कि नहीं हुआ, ये तो अलग है कि सामने वाले को आपसे नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको तो हुआ होगा। बढ़िया था भाई। तो उसी वन साइड लव के ऊपर एक मेरी पोएट्री है, वो कहना चाहूंगा, अच्छी लगे तो तालियां बजा देना, कभी मत रखना, ठीक है? कि जब पहली बार देखा था ना तुझे, तो लगा नहीं था कि तुझसे दोस्ती हो सकती है, इतने अलग थे हम दोनों ख्यालों के, कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ बात बन सकती है। मजा तो तेरा बेशक मैं बहुत बार उड़ाता हूँ, पर जब तू नाराज हो जाती है ना तो तुझे खोने से डर जाता हूँ। तेरे गुड नाइट वाले मैसेज के बिना सुकून की नींद नहीं आती है, YouTube पे बात करते हुए पूरी रात बीत जाती है। ज्यादा उम्मीद है मुझे तुझसे थी नहीं, तो अगर तू कभी छू भी लेती थी ना तो जिंदगी नई सी हो जाती थी। जब तेरी आवाज में अपना नेम सुनता हूँ ना तो लगता है मेरा नाम भी इतना प्यारा हो सकता है, और जब तू बुलाती है ना ऐसे करके सुनिए तो सोचता हूँ दुनिया में इससे अच्छा भी कोई नजारा हो सकता है। तुमसे बात करने के लिए तुम्हें खबर भी नहीं कितने तरह के तरीके आजमाता हूँ, इंतजार करता हूँ कि तुम कोई स्टोरी डालो तो उस पर रिप्लाई करके बात आगे बढ़ाता हूँ, पर तुम सामने से कोई कोशिश ही नहीं करती, शायद मेरी कोशिश को नोटिस ही नहीं करती। कोई भी जोक मीम या कुछ भी भेजता हूँ तुम बस अच्छा हाँ कह के रिप्लाई कर देते हो, अब इसके आगे क्या बोलूँ, बात बढ़ाने मुश्किल कर देते हो, फिर भी तुझसे नाराजगी नहीं होती, तू जैसी है वैसी है, कल बात करते हैं, पर तुम्हारी तरफ से वो कल कभी आता ही नहीं, तो परसों बात मुझे ही शुरू करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि तुझसे बात किए बिना रात जाता ही नहीं, दिल ना बहुत बड़ा है तेरा, तुझे हर किसी से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती तू, तुझे तो रात जल्दी डॉगी से प्यार हो जाता है। तेरे बारे में यार मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और शायद जितना तेरे बारे में मैं सोचता हूँ ना उतना मेरी फैमिली के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता। और दोस्त लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हाँ मैं तेरे और दोस्तों इतना हैंडसम नहीं हूँ, सांवला हूँ, गोरा नहीं हूँ, और शायद तुझे कभी शर्म आए मुझे किसी के आगे अपना दोस्त कह के इंट्रोड्यूस कराने में तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, इंस्टा हो या फेसबुक बस तेरे लिए रहता मेरा हर एक पोस्ट है, और तू मेरी अच्छी वाली नहीं सच्ची वाली, तू मेरी पक्की वाली है। जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई, कैसे तुझको ये बताएं, हाँ हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताएं, हाँ हम जी नहीं पाए, आज छुपाऊं तुम्हें हौसलों में तुम्हें, सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में तुम्हें ख्वाहिशें,
है।